نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear online students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today inshallah we have to start a new chapter and that is Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation. ये chapter जो है ये basically IFRS 5 है आपका. हमने last IS 2 पढ़ा था. Last two classes जो हमारी थोड़ी disturb हुई है, मौसम भी थोड़ा सा उसमें चेंज था. हमने लास्ट टू क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे ली थी. उस पर एक छोटा टॉपिक हमने इन्वेंट्री पढ़ा था. आज इंशाल्लाह हम IFRS 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. IFRS 5 का नाम है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. देखिए, नॉन करंट एसेट से मुराद आपके जो एसेट जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है, लाइक आपका प्लांट है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास यहाँ एक बात लिखी हुई कि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल नॉट फॉर यूज. तो आप अपने नॉन करंट एसेट को अगर पहले हेल्ड फॉर यूज रख रहे थे लेकिन अब आप इसको बेचना चाहते हैं, तो अब उसके ऊपर कौन से IFRS की एप्लीकेशन हो जाएगी? IFRS 5 की. Held for sale का मतलब क्या है? The carrying amount of a non-current asset will be recovered mainly through selling the asset rather than through usage. यानी अब आप अपने एसेट को बचाए, यूज करके रिकवर करें. आपने प्लान किया है कि आप इसकी रिकवरी कैसे करेंगे? थ्रू सेलिंग द एसेट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं. आपके पास सपोज करें, एक टाइम लाइन से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करें कि आपने एक एसेट परचेज किया, ठीक है, और वो एसेट आपने, एग्जांपल को थोड़ी स्ट्रेट रखूंगा ताकि बात सबको समझ आ जाए. आपने एक एसेट परचेज किया यहाँ पे और आपने एसेट परचेज किया सपोज कर लेते हैं 5 लाख रुपए का, और आपने अज्यूम किया है कि उस एसेट की लाइफ जो है वो 5 लाख रुपए है, और आपने स्ट्रेट लाइन उस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, ठीक है. 5 लाख रुपए का एसेट, 5 साल की लाइफ, और डेप्रिसिएशन आपने कौन सा उस पे सिलेक्ट किया है? स्ट्रेट लाइन. तो पहले सर आप पता है आप कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख का. 1 लाख रुपए का, ठीक है. अभी से देखिएगा, ये आपका एसेट जिसकी लाइफ आपने 1, 2, 3, 4, 5 साल आपने लाइफ एज्यूम की है, ठीक है. यहाँ पे आपने ये एसेट परचेज किया था, ये आपका नॉन करंट एसेट है, राइट? दिस इज योर, ये क्या है आपके लिए? नॉन करंट एसेट. ये अरे किसी का माइक है, काइंडली उसको देख लें, ये किसका माइक है काइंडली देख लीजिएगा इसको यार. अच्छा भाई, नॉन करंट एसेट, मैंने कहा सपोज ये आपका नॉन करंट एसेट है, ये जो मैंने इस पे लिख रहा हूँ दिस इज योर नॉन करंट एसेट, और ये नॉन करंट एसेट सपोज आपने कितने का परचेज किया था भाई? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मच, कितने का परचेज किया है? 5 लाख. राणा साहब, शायद ये आपका माइक है या जिसका भी है, काइंडली इसको जरा कंसीडर कर लें. 5 लाख रुपए का आपने एसेट लिया और मैंने अज्यूम किया है कि इसकी लाइफ 5 साल है, तो आप बताएं पहले साल आपने कितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया? पहले साल 1 लाख रुपए. दूसरे साल सपोज मजीद कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया? 1 लाख रुपए. अच्छा, ये 2 साल आपने हेल्प फॉर यूज रखा था या हेल्प फॉर सेल? ये एसेट आपने अपने पास हेल्प फॉर यूज रखा हुआ था या हेल्प फॉर सेल? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? हेल्प फॉर यूज था.
ठीक है, हेल्प यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, हेल्प फॉर यूज था, 2 साल आपने इसको इस्तेमाल किया, आज इसकी कैरिंग वैल्यू आपके पास आ रही है 3 लाख रुपए। आफ्टर टू तीन इयर्स लाख रुपए इसकी जो कैरिंग वैल्यू है आपके पास वो आ रही है 300,000। आपने वंस अपॉन अ टाइम ये परचेज किया था 5 लाख रुपए का, 2 साल में आपने 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 3 साल की रिमेनिंग लाइफ है और कैरिंग वैल्यू आ रही है आपके पास 3 लाख रुपए। थैंक यू सर। ओके, अब आपके पास अगर आप चाहते हैं कि इस एसेट को सेल करना, देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो एसेट को यूज करके रिकवर कर लो या उसको सेल करके रिकवर कर लो। अब ये जो हेल्प फॉर सेल वाला IFRS है ये कहता है कि अब आप अपने एसेट को रिकवर करने जा रहे हैं। सर आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है काफी। मेरा माइक डिस्टर्ब हो रहा है? यस सर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है सर। अच्छा, डिस्टॉर्शन आ रही है सर। यार मैं बस सिग्नल कर दिया। ओके सर, अब बताएं, अब सही है? यस सर, अब बेहतर है। अभी आप बेहतर है सर, आप तो बोले कुछ। बोल तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब बेहतर है, ठीक है, आप पढ़ाएं। अच्छा, 5 लाख रुपए का एसेट लिया, 2 लाख रुपए की आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, 3 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू आ रही है। अब आप चाहते हैं इस एसेट को बजाय यूज करने के सेल करके रिकवर करना, तो अब इसको क्या कहेंगे? अगर आप इसको सेल करके रिकवर करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉट हेल्ड फॉर यूज। इसका मतलब है ये शुरू के 2 साल जब हेल्ड फॉर यूज था तो कौन से IS में चल रहा था? ये कौन से IS 16 के अकॉर्डिंग? मैंने आप लोगों को जब IS 16 पढ़ाया था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो उस वक्त बता दिया था कि आप एसेट जब अपने यूज के लिए रखते हैं नॉन करंट एसेट तो वो IS 16 है, लाइक प्लांट इक्विपमेंट मशीन, ठीक है ना। अब ये कौन से IFRS में कन्वर्ट होने जा रहा है? कौन से IFRS पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको हम? IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल। अब अगर आप किसी एसेट को नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी आपको अपने एसेट के IS को कन्वर्ट करना है फ्रॉम IS 16 टू IFRS 5, तो अब उसके लिए IS 40 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वो भी नॉन करंट एसेट है, वो आपने रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ था, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अगर कौन सा IFRS पे लेके जाना चाहते हैं? IFRS 5 पे। जी स्टूडेंट्स, कौन से IFRS पे ले जाना चाहते हैं उसको आप? IFRS 5 पे। जी बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते सलमान। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें 5 लाख रुपए का एसेट था, 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 3 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू है। अच्छा, ये कैरिंग वैल्यू अब आप रिकवर करना चाहते हैं थ्रू यूसेज या थ्रू सेल? थ्रू सेल। हाँ, आप देखे इसकी डेफिनेशन पढ़े, IFRS क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट विल बी रिकवर्ड मेनली थ्रू सेलिंग द एसेट रादर देन थ्रू यूसेज। अच्छा, जो नॉन करंट एसेट होते हैं ना, क्या इनको सेल करना बहुत आसान होता है? जैसे आपका घर है वो भी नॉन करंट एसेट है, आपको अपना घर बेचना है तो क्या 2 दिन में बिक जाएगा आपका घर, या टाइम लगता है? ये टाइम टेकिंग आपके थोड़े से जो है ना काम होते हैं। आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, गाड़ी फौरन बिक सकती है, लेकिन नॉर्मली आप उसको थोड़ा सा ये के देखते हैं कोई रीजनेबल बायर आए और आपको सही मार्केट प्राइस देकर जाए तो आप उसको बेचोगे। आप अक्सर देखें OLX पे कोई गाड़ी सर्च करें, वो 2 महीने बाद भी वो गाड़ी आपको अक्सर नजर आएगी। तो ये एसेट ऐसे होते हैं नॉन करंट एसेट जो फौरन नहीं बिकते। तो IS कहता है कि आप कोशिश करें जिस दिन आपने डिक्लेयर किया है, जिस दिन आपने इंटेंशन जाहिर की है उसको बेचने की, उस दिन से ऑनवर्ड 1 साल के अंदर अंदर ये बिक जाए, राइट। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन आप इंटेंशन करेंगे ना हेल्प फॉर सेल,
उस दिन के बाद इस एसिड को आप यूज तो कर रहे होंगे, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, हेल्प फॉर यूज है या हेल्प फॉर सेल रखा हुआ है आपने? हेल्प फॉर सेल। हाँ, ये इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री तो वो गुड्स होती है जो हेल्प फॉर सेल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो। ये वो नहीं है जो आपका बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, डॉलर कंपनी है। अब डॉलर कंपनी की गुड्स क्या है? स्टेशनरी आइटम। यस सर। अब डॉलर कंपनी के ऑफिस में स्प्लिट पुराने हो गए, कुछ फर्नीचर पुराना हो गया है। अब उसकी इंटेंशन वो कर रहे हैं हेल्प फॉर सेल, तो क्या वो इन्वेंट्री में काउंट होगी या नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल होंगे वो? तो नॉन करंट एसेट। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे बात ये है मेरे भाई कि नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल अगर आप किसी एसेट को डिक्लेयर कर देंगे जिस दिन, ऑल्दो आप उस दिन के बाद उसको यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन अब उस दिन के बाद उन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल दी, कितने साल गुजर गए थे उस एसिड पे? दो साल। दो साल, दो साल नहीं, सपोज करो ढाई साल के बाद इंटेंशन जाहिर गुजर गए। अगर मैं सपोज करता हूँ ढाई साल के बाद इंटेंशन जाहिर की, तो ढाई साल में उसके ऊपर ढाई लाख का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाता अगर ढाई साल के बाद इंटेंशन करते। यस सर। अच्छा, अब अगर ढाई साल के बाद इंटेंशन करते तो छह महीने बाद क्या आ जाता इनका? ईयर एंड डेप्रिसिएशन। ईयर एंड, लेकिन क्या छह महीने बाद ईयर एंड पे आखिरी छह महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते या नहीं करते? नहीं करते। यस, वेरी गुड। यानी जब आप IFRS 5 की नियत कर लेंगे उस दिन के बाद उस एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं होगा, नो डेप्रिसिएशन। सर एक बात पूछनी थी। जी पूछे। सर हमने जो है 1 जनवरी 2001 को 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, अब हमारा तीसरा साल है, मगर हमने इसकी नियत कर ली थी हमने बेचना है, मगर हम उस एसेट से अपनी इन्वेंट्री तो जनरेट कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हम उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? बात ये है कि आपकी इंटेंशन, मगर हम सर एक लाइन और सुन लें। मैं ये कह रहा था कि हम तो उसको बेचने जा रहे हैं तो उससे हम इन्वेंट्री भी जनरेट कर रहे हैं, तो ये तजाद नहीं है? बात ये कि आपने इंटेंशन की ये बेचने की, उसमें IAS ने कुछ क्राइटेरिया बताया, वो क्राइटेरिया पहले सुन लें। अगर वो क्राइटेरिया पूरा होगा तो हम उसको IFRS 5 में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रखते। IFRS कहता है कि आपने इंटेंशन की है, लेकिन उस इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ आप नियत करके बैठ गए कि आप उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना तो आप बायर को लोकेट कर रहे हैं, ना तो आप उसको बेचने के लिए कमिटेड हैं, ना आपने उसको इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल रखा हुआ है, तो फिर ये IFRS 5 में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अब फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मेरी बात सुने, इधर देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, एक चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। आसिफ आप बताइएगा कि मैंने क्या पॉइंट हाईलाइट किया है, कैन यू टेल मी? आसिफ अभी कुछ नहीं करा आपने हाईलाइट, नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। अच्छा, बाकी कोई स्टूडेंट बताया कोई हाईलाइट किया है मैंने? सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्प फॉर सेल। ओके, क्लासिफिकेशन सर वो तो ऊपर, एसेट हेल्प फॉर सेल, a non current asset or disposal group should be classified as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use, a number of detailed criteria must be met. ab ye bol rahe ye baatein honi chahiye sari. point number a, asset must be available for immediate sale in its present condition. मतलब आपने अपने एसेट को अवेलेबल फॉर सेल रखना है उसी प्रेजेंट कंडीशन में। अब आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो मैं घर पे थोड़ा काम करवा रहा हूँ उसके बाद बेचूंगा, नहीं, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल हो, नंबर वन। नंबर टू, इट्स सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। व्हाट इज हाईली प्रोबेबल? मोर लाइकली देन नॉट, यानी सेल होने का चांस ना होने के मुकाबले में क्या हो, ज्यादा हो। For the sale, highly probable, following must apply. Management must be committed to a plan to sell the asset. मतलब आप अपने एसेट को जो बेचना चाहते हैं
उसमें आप कमिटेड नजर आओ। ये नहीं कि आपने आज बोला बेचना है, कल कोई आ रहा है तो आप बोले नहीं आ रहा, अभी तो हम सोच रहे, मतलब आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग हो। देयर मस्ट बी एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट द बायर। आप ना सिर्फ कमिटेड हो बल्कि आपकी कमिटमेंट तो उस वक्त नजर आती है जब आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं ना, आप बायर को लोकेट करें। और आज के दौर में बड़ा आसान तरीका है, आपने स्टेटस लगा दिया फॉर सेल, आपको पता चल जाता है यार ये बेचने के लिए ऐसे आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप बायर को लोकेट भी कर रहे हो। एसेट मस्ट बी मार्केटेड फॉर सेल एट अ प्राइस दैट इज रीजनेबल इन रिलेशन टू इट्स करंट फेयर वैल्यू। मतलब एसेट आप उस प्राइस पे मार्केट करें जो मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू हो। ऐसा नहीं है आपका एसेट मार्केट में जो है ना वो 3 लाख रुपए का है, आप बोले नहीं मैं तो 10 लाख का बेचूंगा, तो भाई इसका मतलब है आप बेचना ही नहीं चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, द सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट, इट इज अनलाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान विल बी मेड और दैट द प्लान विल बी विथड्रॉन। तो ये सारी बातें जो मैंने हाईलाइट की है, ये सब अगर होंगी तो हम उस एसेट को कौन से IFRS में काउंट कर सकते हैं? IFRS 5। वेरी गुड। अगर सर ये कंडीशन तो सारी मीट हो जाएंगी ना? हाँ। ये वाली सारी कंडीशन तो मीट हो जाएंगी, अगर हम जो है हमने नेट कर ली इसको। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ हमने इंटेंशन कर ली इसको बेचने की, अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, मगर उस एसेट से इन्वेंटरी जनरेट तो करते रहेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए आसिफ भाई, बात वही है, फिर सुन लें अगेन, आई रिपीट, अगर आपके ये सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, मतलब आपका एसेट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है, आपकी सेल हाईली प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल के लिए मतलब आप कमिटेड हैं, आप बायर को लोकेट भी कर रहे हैं, आपकी प्राइस भी मार्केट प्राइस रीजनेबल है, जो मार्केट प्राइस है वही ऑफर की आपने, आपकी सेल नजर आ रही है कि विद इन ईयर बिक भी जाएगा, और आप अपने प्लान को विड्रॉ नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे अपने प्लान में, ये सारी बातें हैं, इसका मतलब है आर यू रेडी फॉर सेल। अब उसके बावजूद नहीं बिक रहा तो फिर ये आपके एंड पे कोई इसका वो नहीं है कि आप, क्योंकि आप बिल्कुल कमिटेड हैं, आप बायर को लोकेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार मार्केट प्राइस पे बेचना चाह रहा हूँ, फिर भी कोई बंदा नहीं आ रहा, अब इसमें आपका कोई मसला नहीं है। अनलेस एंड अनटिल ये नहीं बिकता, आप उसको यूज कर रहे होते, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ IFRS, ये IFRS 5 में आ चुका होगा, आगे उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वो क्राइटेरिया रिवर्स हो जाए IFRS 5 का, आप मार्केट प्राइस पे ऑफर नहीं कर रहे, आप बेचना नहीं चाहते, आप बायर को लोकेट नहीं कर रहे, तो फिर एक मिनट रुकिएगा, फिर आपको जो है वो फिर बाकी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, दोबारा पुराने आइए इस पे, और फिर आपको उस अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो भाई इन सर अजाने हो रही है हमारे इधर। ठीक है, अजाने हमारे अभी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है भाई, नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, 7:20 पे इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, 7:20 पे इंशाल्लाह, आधा घंटा इनफ है। थैंक यू इंशाल्लाह। 6:49, 6:50 हो रहे, 7:20 पे इंशाल्लाह विल बी देयर। ओके, अच्छा भाई ये वाली मीटिंग एक बात सुन लें, ये मीटिंग एंड हो जाएगी मुझे लगता है इतने टाइम में, तो अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं न्यू लिंक आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।